नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर आसपास के गांवों में आदमखोर बाघ लोगों को अपना शिकार लगातार बनाता जा रहा है। आदमखोर बाघ का आज ये तीसरा दिन है जब बाघ ने एक माँ और बेटे को मौत के घाट उतारा है। कुल मिलाकर के बगहा में ये आदमखोर बाघ ने अब तक कुल मिलाकर के 10 लोगों पर हमला किया, जिसमें सबकी जाने जो है वो जा चुकी है। अब तक 10 लोगों को खत्म कर चुका ये नरभक्षी बाघ अब किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा है। ग्रामीण अब इसके विरुद्ध गोलबंद हो रहे हैं और वन विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करने लगे हैं। किस तरीके से ग्रामीणों ने हंगामा किया था, इसकी पूरी तस्वीर कल ही हमने आपको दिखाई थी। आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीने से इस आदमखोर बाघ ने तबाही मचा रखी है। हालांकि ये जो आदमखोर बाघ है वो कई महीनों से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भागा हुआ है और ऐसे ही जंगलों में इधर उधर घूम रहा है, लेकिन जब से इंसानों पर कुछ महीनों से जब ये बाघ पूरी तरीके से आदमखोर हो गया और शिकार करने पर आ गया, तब इस आदमखोर बाघ ने लोगों पर अटैक करना जब शुरू किया, निवाला बनाना शुरू किया, तब इस बाघ के बारे में लोगों को जानकारी लगी, जिसको लेकर के अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यानी कि NTCR ने इस बाघ को जान से मारने के जो आदेश है वो दे दिए हैं। अब इस बाघ ने कब कब लोगों को अपना शिकार बनाया, कब कब लोगों पर हमला किया है वो पूरी तारीख के साथ आपको डिटेल में बताते हैं। 8 मई को बाघ ने पहला शिकार किया था। इसके बाद 14 मई को जिमरी में आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया। 14 मई के बाद 20 मई, 14 जुलाई, 12 सितंबर, 21 सितंबर, 6 अक्टूबर और एक 12 साल की बच्ची, 6 अक्टूबर का दिन था जब एक 12 साल की बच्ची को बाघ झोपड़ी में घुस करके और मच्छरदानी से उठा करके ले जाता है और बाघ बच्ची को जान से मार डालता है, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद फिर कल 7 अक्टूबर को संजय महतो नाम के एक युवक को बाघ ने अपना निशाना बनाया और आज एक माँ बेटे की जान बाघ ने ले ली। यहाँ आपको बता दें कि जिन जगहों पर बाघ लोगों पर इस तरीके से हमला कर रहा है वो पूरा इलाका जो है वो आदिवासी उराव और थारू जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसका जीवन यापन जो है वो मुख्य रूप से जंगल पर ही निर्भर करता है। जंगल में लोगों को रोज आना जाना पड़ता है, उनका लगा रहता है आना जाना, और इस दौरान बाघ पहले से घात लगा करके लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए बैठा रहता है और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है सीधा वो आदमखोर बाघ लोगों पर अटैक करता है। और ये बाघ इतना आदमखोर हो चुका है कि सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि अब तो लोगों के घरों में घुस करके भी अटैक करने लगा है। एक के बाद एक 10 लोगों के शिकार इस नरभक्षी बाघ अब तक कर चुका है और बगहा के जंगल किनारे बसे गांवों में आज हर ओर अगर आप देखेंगे तो एक दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। हर जगह एक ही आवाज आ रही है कि भागो भागो बाघ आया। दिन हो या फिर रात, बाघ की चहलकदमी ने ग्रामीणों के साथ साथ वनकर्मियों की भी नींद उड़ा के रख दी है। वनकर्मी पूरी तरीके से बाघ को काबू पाने में असफल साबित हो रहे हैं, फेल साबित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें लगी है, कई एक्सपर्ट्स आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि बाघ किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहा है। के साथ साथ चकमा देकर आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खेतों में ग्रामीण जाने से परहेज कर रहे हैं और गाँव में लोग घर में भी झुंड बना करके निकल रहे हैं। रेस्क्यू के बाद बाघ ने अपना ठिकाना बदल लिया है और अब नए इलाके में दहशत फैला रखी है। इस नरभक्षी बाघ के आतंक से अब लोगों के जो सब्र का बांध है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वन विभाग और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन पर से भी पूरी तरीके से लोगों का भरोसा उठ चुका है। बाघ के हमले के चलते ग्रामीणों ने जम करके हंगामा किया, आक्रोशित लोगों ने वन विभाग कार्यालय पर धावा बोला, पथराव किया, तोड़फोड़ किया और वन विभाग को रेस्क्यू करने में अब तक सफलता नहीं मिल सकी, जिसकी जो सूचना है वो सीधे NTCA को दी गई थी, जिसके बाद अब NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अब इस आदमखोर बाघ को मारने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद अब देखना ये होगा कि आदमखोर बाघ कब तक लोगों के पकड़ में आता है या फिर इसे ऐसे ही गोली मार दी जाएगी। जो भी पल पल के अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।